हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ओनली वेल्थ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे कवर करेंगे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है स्पेशली बिगनर्स के लिए। यहाँ पे जो काफ़ी सारी गलतियाँ यहाँ पे मार्केट में कर बैठते हैं और इतना बड़ा लॉस यहाँ पे ले बैठते हैं कि उसे रिकवर करने में ही उनका पूरा यहाँ पे टाइम बर्बाद हो जाता है और फिर फ्रस्ट्रेट होके आइदर वो ट्रेडिंग छोड़ देते हैं या फिर और बड़ा लॉस यहाँ पे कर बैठते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि कहाँ पे पैसे बनते हैं और कहाँ पे आपको अपने आप को होल्ड करना है। हर एक टाइम मार्केट में यहाँ पे पैसा नहीं बनता है। अगर हर एक टाइम यहाँ पे पैसा बनता होता तो आज की डेट में सभी यहाँ पे अंबानी हो चुके होते फ्रेंड्स। तो यहाँ पे लॉसेस का रीजन क्या है ये आपको समझ में आएगा, तभी आप यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे बन पाएंगे। तो कहाँ पे एग्रेसिव ट्रेड हमें लेनी है और कहाँ पे हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना है, जब तक इन सब चीजों पे आप एनालिसिस स्टडी नहीं कर लेंगे तो यहाँ पे भूल जाइए, रैंडमली आपको प्रॉफिट होते रहेंगे पर जो लॉस होंगे आपका पूरा प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटल यहाँ पे वाइप आउट वो कर देंगे, कंप्लीटली वाइप आउट आपके प्रॉफिट को यहाँ पे ये मार्केट कर देगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लगा रखा है वीकली चार्ट लगा रखा है, बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। तो इस वीकली चार्ट में फ्रेंड्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी मार्केट एक इस राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट में मूव कर रही है। राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट में यहाँ पे जो है मूवमेंट स्क्वीज होते हुए जा रही है। दैट मींस राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट क्या होता है, इसके बैक एंड पे मूवमेंट और कैंडल का साइज बड़ा होता है और यहाँ पे जो मूवमेंट है छोटी होती जाती है। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे जब मूवमेंट छोटी होती जाती है तो यहाँ पे पैसा बनाना भी फिर यहाँ पे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब आपको मूवमेंट ही नहीं मिलेगी तो फिर आप प्रॉफिट यहाँ पे कैसे बना पाएंगे फ्रेंड्स। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपको एनालिसिस करते हैं वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, डेली चार्ट पे पहले पता होना चाहिए कि मार्केट में सिचुएशन एक्चुअल में चल क्या रही है। अदरवाइज ब्लाइंडली आप यहाँ पे ट्रेड करते रहेंगे और आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपको लॉसेस यहाँ पे क्यों हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मान के चलिए, यहाँ पे बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी एक प्रॉफिट बनाने का। यहाँ पे देखिए बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है और यहाँ पे अप ट्रेंड में ही मूवमेंट हो रही है कंटिन्यूअसली। अब मैक्सिमम कैंडल की मूवमेंट देखेंगे, अप ट्रेंड में ही यहाँ पे हो रही है। तो इस तरीके की सिचुएशन जब बनती है तो यहाँ पे प्रॉफिट बनाना इजी हो जाता है। यहाँ पे ये सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पे डिफिकल्ट है। देखिए यहाँ पे मूवमेंट आई, फिर रिट्रेसमेंट, रैंडम मूवमेंट आप बोल लीजिए, रैंडम मूवमेंट में यहाँ पे पैसा बनाना काफी मुश्किल होता है। इस वाली मूवमेंट में भी यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल है, यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल है। इसका रीजन देखिए, कैंडल का साइज यहाँ पे देखिए, जब कैंडल का साइज छोटा छोटा यहाँ पे बन रहा है और स्पेशली डोजी टाइप का कैंडल यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखिए डोजी टाइप की बहुत कम कैंडल यहाँ पे बन रही है, एक टॉप यहाँ पे बनी है, एक यहाँ पे बनी है, तो एकाध ही यहाँ पे बनी है, अदरवाइज फुल्ली फ्लैश्ड कैंडल यहाँ पे बनी है, आइदर रेड और ग्रीन। तो इस तरीके के कैंडल में ही पोजिशनल ट्रेडिंग हम करते हैं और बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हैं। इन तरीके की कैंडल में हमें क्या करना होता है, आइदर वी शुड अवॉइड या फिर स्कैल्पिंग से यहाँ पे छोटा मोटा प्रॉफिट हम बना सकते हैं। बड़े प्रॉफिट के चक्कर में यहाँ पे हमें नहीं फंसना है, क्योंकि बड़े प्रॉफिट के चक्कर में अगर यहाँ पे फंसे तो यहाँ पे फिर बड़ा लॉस हम लेके जाएंगे। क्योंकि होता क्या है डोजी टाइप के कैंडल में फ्रेंड्स, जो कैंडल फॉर एग्जांपल कोई भी कैंडल उठा लीजिए, यही छोटी वाली रेड वाली कैंडल यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये वाली कैंडल 14 अगस्त की, तो इसमें क्या होता है मार्केट ओपन हुई यहाँ पे, फिर अपसाइड मूवमेंट दिखाया तो जो भी यहाँ पे ट्रेडर्स है सोचेंगे बाई करने के लिए क्योंकि मार्केट अपसाइड में जा रही है, फिर यहाँ पे एक रिवर्सल ये ले लेगी छोटा यहाँ पे 50-100 पॉइंट का मूवमेंट देने के बाद, फिर अपने ओपनिंग प्राइस पे आ जाती है, ओपनिंग प्राइस के बाद फिर यहाँ पे ये डाउनवर्ड मूवमेंट दिखाती है।
तो यहाँ पे टोटली कंफ्यूजिंग मार्केट रहती है। जब एक बार ट्रेडर यहाँ पे बाइंग साइड का व्यू बना लेता है तो सेल साइड में आती है, तो वो यहाँ पे बाइंग की बार बार कोशिश करते रहेगा और इस वजह से यहाँ पे फिर लॉस होने के चांसेस रहते हैं ट्रेडर्स के। तो ये सब चीजें नोट करनी होंगी। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जोन जो मैंने मार्क कर रखी है, जो स्टॉक बर्नर, आप देखना स्टॉक बर्नर ने जिस पीरियड में यहाँ पे प्रॉफिट बनाया था यही पीरियड था वो फ्रेंड्स, जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क कर रखा है। तो यहीं पे स्टॉक बर्नर जो दिनेश है उससे यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट यहाँ पे बनाया था। तो इस तरीके की सिचुएशन में क्लियर कट कैंडल्स में भी देखिए और विक्स में भी देखेंगे, यहाँ पे विक्स भी मेरे ख्याल से 17 से 22 के बीच में ट्रेड कर रही थी, तो विक्स का भी ध्यान रखना है। घनश्याम टेक जी जो सर है, मान के चलिए कि काफी बढ़िया एनालिसिस है उनकी, तो आज भी मैं एनालिसिस देखता हूं, मैंने सीखना ही वहां से स्टार्ट किया था। तो उनने भी यहाँ पे जब मार्केट डाउनफॉल यहाँ पे करना स्टार्ट करी थी तो यहीं पे बढ़िया पैसा बनाया था, जब वन वे मार्केट यहाँ पे फॉल कर रही थी और वो पहले से प्रिपेयर्ड थे फ्रेंड्स। ये नहीं है कि अभी मार्केट में आए थे, वो काफी सालों से यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे वो एक तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड थे और रेडी थे, उनको पता है किस तरीके के मार्केट में किस तरीके से रिएक्ट करना है। तो पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा यहाँ पे, जब तक आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे तो भले ही ये अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए पर आप इसका फायदा यहाँ पे नहीं उठा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट में बैंक निफ्टी में दोनों में ही यहाँ पे देखिए प्रीवियस में यहाँ पर राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट बना था और ये काफी सालों तक इसी रेंज में यहाँ पे मूवमेंट कर रही थी। लगभग यहां से अगर लेंगे तो 2015 से 2020 लगभग 4-5 साल से एक राइजिंग वेज पैटर्न चार्ट फॉर्म हुआ और फिर एक कोरोना पीरियड में एक ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिला। तो अब भी यहाँ पे देखिए इस वाले पीरियड को अगर हम लेंगे 2021, तो 2021 के बाद से अब 2024 चल रहा है, तो एग्जैक्ट पीरियड आप काउंट कर लेना, मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा हूं। तो 2-3 साल यहाँ पे भी हो चुके हैं इसी रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है मार्केट, और यहाँ पे देखिए रेंज भी काफी नैरो रेंज यहाँ पे हो चुकी है मार्केट की, क्या है काफी नैरो रेंज यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ड्यू है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्रेकडाउन ही होना है क्योंकि यहाँ पे हो सकता है एक ब्रेकआउट मार्केट दे दे, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों ही एक कंजेस्टेड जोन में आ गए हैं और उस जोन का ब्रेक होना यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब यहाँ पे जिस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। तो उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को कैप्चर करने के लिए आपको पहले से ही यहाँ पे मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अभी वन डे का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा लिया है, यहाँ पे देखिए काफी दिनों से यहाँ पे इस डेट से बताता हूँ लगभग 17 जनवरी से, तो 17 जनवरी से अभी मार्च चल रहा है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं इस बुलिश चैनल में यहाँ पे मार्केट फंसी हुई है फ्रेंड्स। तो बुलिश चैनल में यहाँ पे प्रॉफिट बनाना काफी मुश्किल होता है, तो इस तरीके की सिचुएशन में आप यहाँ पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जब इस रेंज का यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो यहाँ पे आप पोजिशनल ट्रेडिंग की ट्राई कर सकते हैं और उसका भी तरीका होता है, ये नहीं कि ब्लाइंडली आप यहाँ पे एक व्यू लेके बैठ गए कि अब पॉजिटिव है, हो सकता है मार्केट वहां पे, क्योंकि भले ही ब्रेकआउट हो जाए मार्केट यहाँ पे रेड ग्रीन कैंडल तो फॉर्म करती ही रहेगी, ऐसे नहीं होता कि वन वे यहाँ पे प्रॉफिट आपको मार्केट देती रहेगी, तो वो आपको एक्सपीरियंस से यहाँ पे धीरे धीरे पता चलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मेरा ट्रेडिंग स्टाइल यही है, जब मार्केट रेंज में फंसी होती है तो मैं यहाँ पे एज अ स्कैल्पर ज्यादा काम करता हूँ और इस तरीके की सिचुएशन जैसे यहाँ पे फॉर्म हुई है इस तरीके की सिचुएशन में मैं ट्रेडिंग अवॉइड करता हूँ। मैंने अपना
एफएनओ का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी आपको दिखाया है, उसमें काफी सारे आपने ब्लैंक देखे होंगे जहां पे मैंने ट्रेडिंग ही नहीं करी है। और ट्रेडिंग जब मैं करता हूँ तो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए यहाँ पे करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मार्केट अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स दोनों ही यहाँ पे कंफ्यूजन में है। तो एक बार यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो जाएंगे, इमीडिएटली फिर सेलर्स एक्टिव हो जाएंगे, भले ही यहाँ पे आपका बना बनाया प्रॉफिट भी मार्केट यहाँ पे दोबारा से नेगेटिव में कर देती है। इस तरीके की सिचुएशन, इस तरीके के रेंज में जब मार्केट फंस जाती है तो इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे बनी रहती है। तो बड़ा ट्रेंड पकड़ना है तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक होने का वेट हम यहाँ पे कर सकते हैं। उससे पहले स्कैल्पिंग ही यहाँ पे करिए, और इस तरीके की बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे तो वही बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जब तक आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे ट्रेडिंग आप भूल जाइए, क्योंकि लॉसेस आप बियर नहीं कर पाएंगे। कंटिन्यूअसली आप पैसा डालते रहिए, मार्केट यहाँ पे आपका पैसा लेती रहेगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स चैनल को भी प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है तो। फ्रेंड्स प्लीज आप देखिए, प्रीवियस वीडियो भी जाके देखिए, काफी एनालिसिस वीडियो मैंने पोस्ट करी है। हालांकि यूट्यूब में होता क्या है, मैंने देख लिया है कि यहाँ पे अंधाधुंध, मैं किसी की बुराई या अच्छाई नहीं कर रहा हूँ, अंधाधुंध एक चैनल के पीछे पड़ जाते हैं, भले ही वो कुछ सिखा रहा है नहीं सिखा रहा है, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। बाकी यहाँ पे जो वैल्यूएबल कंटेंट भी होता है वहां पे पब्लिक जो है मुड़ के देखती भी नहीं है। तो सेम सिनेरियो आई एम फेसिंग, यहाँ पे कोई भी यूट्यूब पे मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपको जेन्युइन लगता है, मेरी एनालिसिस सही लगती है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपके साथ शेयर करते रहता हूँ, तो प्लीज सपोर्ट करिए, ताकि आने वाले टाइम में और भी बढ़िया कंटेंट मैं आपके सामने यहाँ पे ला सको। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।